बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे साथ बहन भाई दोस्तों, मेरी तरफ से सलाम अलैकुम, लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल औलाद पर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, अल्लाह ताला की जात का लाख लाख शुक्र है। और आप सब बहन भाइयों के लिए दुआ करूँ कि अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखें, अल्लाह ताला आपको खुश रखें, आबाद रखें, शाद रखें। तो अच्छा जी, हम बात करते हैं कि मुबशर सदीक और ज़ैन अल आबदीन गैब हैं यूके और आज का लंदन की वो सैर कर रहे हैं, काफ़ी घूम फिर रहे हैं, दुनिया से मिल रहे हैं, तोहफे तहफे ले रहे हैं, दे रहे हैं। तो एक वीडियो उनके बारे में एक दो बंदों ने बात किया है, तो वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले आप सब बहन भाइयों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन बहन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को भी दबा लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ है कि मैंने एक दो वीडियो देखी हैं कि भाई जो है ना इंग्लैंड से, वो उनसे मिलने गए हैं मुबशर सदीक को, क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान से आए हुए हैं ये, हमारे भाई हैं ये, यूट्यूबर हैं ये, पाकिस्तान का चेहरा हैं और इनके इस तरह के विजिट से पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज, मुस्बत चेहरा पार के दुनिया को दिखाने का मौका मिलता है। तो इसीलिए वो आए थे, उन्होंने कहा कि चलो हम मिलते हैं उनसे, गपशप करते हैं और जाकर उनके साथ तस्वीरें और वीडियो बनाते हैं। हम जो पाकिस्तानी हैं या तकरीबन हर जगह पर हर एक का दिल करता है कि कोई भी सेलिब्रिटी हो हम उसके साथ वीडियो बनाएं या पिक्चर्स जरूर लें, सोशल मीडिया पर डालें अपने वाह वाह। तो वो गए मुबशर सदीक और ज़ैन अल आबदीन से, उन्होंने बात की है, कोशिश की है कि वो हम उनसे जाकर वीडियो बनाएं, लेकिन मुबशर सदीक और ज़ैन अल आबदीन ने मना कर दिया है कि हम आपके साथ वीडियो नहीं बना सकते। और मतलब है उनको ऐसे ना जो भाई बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है जिस तरह बातें करते हैं कि इंग्लैंड, मैं जो है ना, मैं ज़ाती तौर पर एक गरीब बंदा हूँ, मैं अगर जाता हूँ मुबशर सदीक और ज़ैन अल आबदीन के पास तो मैं इसलिए जाता हूँ कि चलो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, मेरी एक सपोर्ट हो जाएगी, मेरा प्रमोशन हो जाएगी। तो अगर इस तरह के बंदे जाते हैं तो उनको इतनी कोई परवाह नहीं होती कि हमने यूट्यूब से पैसे कमाने हैं, तो उनका यही दिल करता है कि हमारी यार चलो ठीक है, हमारे मुल्क के बंदे हैं, मुबशर सदीक ज़ैन अल आबदीन ये जो है हमारे मुल्क का चेहरा हैं, तो इनके ये आए हैं तो इनकी मतलब वाह वाह होनी चाहिए, क्यों नहीं, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं और अल्लाह ताला ने ये मुकाम दिया है। तो वो भाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की वजह से परेशान था, उसने कहा है कि हमारी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई है, वो बड़ी ना अजीब अजीब बातें कर रहा था। तो ये देखें कि अल्लाह ताला ने जब किसी को अब इतना बड़ा मुकाम दे देता है तो उसके अंदर कई लोग होते हैं कि किसी के अंदर आजिज़ी आ जाती है और किसी के अंदर तकब्बुर आ जाता है। तो मेरा मिलना चाहिए था, आप बहन भाई जो है ना वो कमेंट करके बता सकते हैं कि उन्होंने अच्छा किया है कि गलत किया है, ज़रूर कमेंट करें और बताएं, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है, अगर वो किसी को मिलें मिलना चाहें तो उनकी मर्ज़ी, नहीं मिलना चाहें तो तब भी उनकी मर्ज़ी है। ये हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप हमें ज़रूरी मिलें, ज़रूरी हमारे साथ वीडियो बनाएं। तो आप बहन भाई इसके बारे में क्या राय रखते हैं मुझे वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में।